मतलब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है एमएस वर्ड की तरह है, स्प्रेडशीट किसकी तरह होगा, एक्सेल, एमएस एक्सेल, एक्सेल की तरह, प्रेजेंटेशन और एमएस पावर पॉइंट, उसके बाद ड्राइंग, पेंट, डेटाबेस, आपके जो उसमें डेटाबेस का होता है एमएस डेटाबेस करके होता है एक्सेस जो भी है, फॉर्मूला, ये भी इन सब चीजों का बराबर का दिया हुआ है। मैं आपको लास्ट में दोनों का दिखाऊंगा इमेज के साथ में, आपको वीडियो जब चलेगा ना तो वीडियो में एक एक चीज दिखाया गया है, जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आएगा तो एमएस वर्ड का दिखाएगा वहां पे वीडियो में, स्प्रेडशीट आ गया उसमें एमएस एक्सेल दिखाएगा, उसका पेज भी आपको वीडियो में दिखाया जाएगा कि ये आपका एमएस वर्ड का पेज है, ये राइटर का पेज है, वीडियो में ये सब चीज है। मैं आपको यहाँ पे इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप ट्रेनर है, आप समझ सकते हैं, आप खुद से जब वीडियो चला के कराएंगे ना तो आप इन चीजों पे एक्सप्लेन कीजिएगा, मैं सबको देखूंगा कौन कैसे पढ़ा रहा है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है इस बॉक्स तक? अब हमें क्या सीखना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इसको कैसे ओपन करेंगे, इसको कैसे ओपन करेंगे आप बताओ, कितनी बार, दो बार, ओके, ओपन हो गया सभी का, ठीक है। अब देखिए सामने यहां पे पेज है, कितने लोगों ने एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट को देखा है, मतलब एमएस वर्ड के पेज को देखा है, ये आपका किसका है, MS Word, ये पेज कौन से सॉफ्टवेयर है, राइटर है, ये किसका पार्ट है, राइटर किसका पार्ट है, देखिए बड़ा सिंपल सा समझाने का तरीका है, राइटर है किसका पार्ट है, ओपन ऑफिस, ओपन ऑफिस क्या है, सॉफ्टवेयर है, कौन सी कंपनी ने बनाया इसको, अपाची, इसको डाउनलोड करने के लिए हम इंटरनेट से कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई चार्ज नहीं, क्लियर है। ओपन ऑफिस क्या होता है, ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर होता है जो कि एमएस वर्ड की तरह है, एमएस ऑफिस की तरह है, इसको डाउनलोड करने के लिए हमें कोई भी फीस चार्ज नहीं करनी पड़ती है, कोई भी पे नहीं करना पड़ता है, इसके अंदर एमएस वर्ड की एमएस ऑफिस की तरह ही इसके अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इधर इसका एक और बेनिफिट भी है बच्चे का, तो जैसे इसका साइज कम है तो जो कंप्यूटर स्लो है, मान लो प्रोसेसर छोटा है, छोटा तो उस पे भी काम करेंगे, ठीक है, जैसे आपका रैम मेमोरी जिसको कहते हैं वो कम होता है ना, उसमें ये स्लो नहीं होगा, ठीक चलेगा, जैसे 136 एमबी का एमएस और 700 एमबी का होता है, तो ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, तो ये मैं उतना नहीं लेके जा रहा हूँ जी, अभी जो समझ में आ जाए जो आप बच्चों को समझा, हाँ। तो अभी ठीक है। अब इसके अंदर देखिए सबसे ऊपर क्या दिख रहा है आपको, कौन बताएगा इसको क्या कहते हैं, सर आप बताएंगे, पेंट में हमने क्लियर कराया इस कॉन्सेप्ट को, सबसे ऊपर एक्सप्लेन करना है क्या चीज है, अनटाइटल्ड वन का मतलब क्या होगा आप बताओ, अनटाइटल का मतलब आप बताओ सर, अभी उसको टाइटल नहीं दिया हमने, अभी हमने उसको सेव नहीं किया है इसलिए वो अनटाइटल शो हो रहा है, जैसे सेव करेंगे वहां पे फाइल का नाम आ जाएगा, बैठ जाओ आप बताओ, ओपन ऑफिस क्या है, ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर है, राइटर क्या है,
ओपन ऑफ इसका पार्ट है। अब ये क्या कहलाएगा? नहीं, टाइटल बार। टाइटल बार, क्लियर है? तो टाइटल बार क्या होता है? डेफिनेशन बनाइए आप। तो टाइटल बार क्या होता है? मैंने आपको ये समझा दिया, ये बता दिया, राइट बता दिया। अब टाइटल बार का डेफिनेशन आपको बताइए, क्या एक्सप्लेन करेंगे? इन सबको कंबाइन करना है। जैसे आप हिंदी या इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम कुछ वर्ड्स या लाइन दिए गए होते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, त्रुटि या पता नहीं क्या बनाना, मिस्टेक्स होते हैं उनको बनाना। आप उनको बना के डेफिनेशन बताइए इन सबको अलग अलग करके। जैसे टाइटल है, ओपन ऑफिस टाइटल, टाइटल बार हमारे फाइल के नाम, अगर हमने सेव किया है तब, नहीं सेव किया है तो अनटाइटल वन। सॉफ्टवेयर का नाम, कौन से सॉफ्टवेयर का है और उसके पार्ट को शो करता है, क्लियर है? टाइटल बार से क्या पता चलता है? अरे वो लास्ट वाला सेशन जो अभी मैं तुमसे बोल रहा था। हाँ तो क्या हो गया, ठीक है, चलो मैं कब तक आ रहे हो, क्लास ले लूंगा। टाइटल बार, फाइल के नाम, एप्लीकेशन का नाम और उसके पार्ट का नाम शो करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, टाइटल बार क्या बताता है? फाइल का नाम, सॉफ्टवेयर का नाम और वो कौन से, उसके कौन से पार्ट है, सॉफ्टवेयर का कौन सा पार्ट है, क्लियर है? टाइटल बार से क्या क्या पता चल जाता है कि यह फाइल किसके नाम से सेव है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हुआ है और उस सॉफ्टवेयर का कौन सा पार्ट है, क्लियर है? मेनू बार के अंदर कौन कौन से ऑप्शन आएंगे? पेंट में क्या था, फाइल, होम, व्यू, अब इसमें बढ़ गया, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल, विंडो, हेल्प, ये सारे क्या होते हैं, मेनू बार। इनके अंदर बहुत सारे विकल्प होते हैं जो कि जिनका काम अलग अलग चीजों पे फॉर्मेटिंग करना या चेंजेस करना या बदलाव करना, जो भी है। जब भी हम इन मेनू बार के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एक बॉक्स ओपन होता है, उस बॉक्स को क्या कहते हैं, जैसे फाइल पे मैंने क्लिक कर दिया, एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, उस बॉक्स को क्या कहेंगे बताओ? सब मेनू बार। सब मेनू बार, जो बॉक्स ओपन होगा उस बॉक्स को कहते हैं सब मेनू बार, क्लियर है? अगर मैं एडिट पे क्लिक करूंगा जो बॉक्स खुलेगा उसको क्या कहेंगे? जैसे मैंने फाइल पे क्लिक किया, बॉक्स ओपन हुआ, उन्होंने बताया सब मेनू बार है वो। अब मैं पूछ रहा हूँ कि मैं एडिट पे क्लिक करूंगा एक बॉक्स ओपन होगा, उसको क्या कहेंगे? जल्दी आंसर करो, सोचना नहीं है। बॉक्स नहीं सर, मैंने कहा कि जब भी आप मेनू बार के विकल्प पर, विकल्प कौन से होंगे, ऑप्शन, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल, विंडो, हेल्प, इन पर क्लिक करेंगे, इन ऑप्शनों में से किसी भी एक ऑप्शन पे जो बॉक्स ओपन होगा उस सब मेनू बार के साथ है। उनसे पूछा मैंने, फाइल पे क्लिक करेंगे बॉक्स ओपन होगा, क्या कहलाता है? सब मेनू बार कहलाता है। किसी भी इनसे रिवीजन करने के लिए मैंने पूछा, एडिट पे क्लिक करेंगे बॉक्स ओपन होगा, क्या कहलाएगा? वो भी सब मेनू बार कहलाएगा। तो मैं देखना चाहता था कि इनको क्या याद है नहीं है। फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा बॉक्स ओपन होगा, क्या कहलाएगा? सब मेनू बार। आंसर करना पड़ेगा सर, नहीं करोगे मैं छोड़ूंगा नहीं फिर आपको, क्लियर है? सब मेनू बार, उसके नीचे आता है ये वाला पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कहलाता है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार एक शॉर्टकट वे होता है या शॉर्टकट तरीका होता है, सिर्फ जिस बार सिर्फ टूल बार सर स्टैंडर्ड टूल बार कहलाता है। टूल बार इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे हम लोग उसमें पेंट पर टूल बार ही कह रहे थे, पेंट में अलग है, यहाँ अलग है, ठीक है?
स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है, एक शॉर्टकट वे होता है, एक शॉर्टकट तरीका होता है किन ऑप्शनों का, ये जो मेनू बार के अंदर होते हैं उनको हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं या कस्टमाइज करते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है, एक शॉर्टकट तरीका होता है जिसको यूजर, यूजर यानी मैं, हम जो यूज कर रहे हैं अपने यूजेस के अकॉर्डिंग, अपने यूजेस के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर शो करा सकता है, ऊपर रख सकता है। जैसे हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, हमें पता होता है कि हम कितना डेटा यूज करते हैं, कितना मैसेज यूज करते हैं या कितना कॉलिंग करते हैं, हमें पता है। हम उस अकॉर्डिंग से कोई भी प्लान लेते हैं, मान लीजिए 100 रुपए का रिचार्ज करा रहे हैं, मुझे पता है कि मैं सबसे ज्यादा कॉलिंग करता हूँ, तो मैं ऐसा रिचार्ज कराऊंगा ना जिसमें कॉल पैसा कम हो और कॉलिंग ज्यादा मिले, कॉल करने को ज्यादा मिले। उसके बाद मैं SMS करता हूँ तो मैं उसको देखूंगा। वैसे ही स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर हम उन ऑप्शन को कस्टमाइज कर सकते हैं या दे सकते हैं जिसका ज्यादा यूज करते हैं। ये जो बाय डिफॉल्ट आपके स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर आ रहे हैं ऑप्शंस, इनको आप चेंज कर सकते हैं खुद से, कब, जब आपको उन ऑप्शनों का उपयोग ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए आपको बार बार न्यू करना होता है, न्यू डॉक्यूमेंट लेना होता है तो न्यू है, मान लीजिए आपको फाइल ओपन करना है तो इन सभी चीजों के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बार बार मेनू बार के अंदर जाना होगा, एक ये तरीका है। दूसरा, अगर आपको शॉर्टकट कमांड नहीं पता है तो आप स्टैंडर्ड टूल बार का उपयोग कर सकते हैं, जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको वो ऑप्शन आ जाएगा, आपको मेनू बार पे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड टूल बार, क्लियर है सबको, और इसको इजी करूं, समझ में आ रहा है, सिंपल है ना, ठीक है। अभी जो सारे विकल्प आपको दिख रहे हैं ना, इनका यूज करना सीखेंगे आगे, अभी आपको क्या बता रहा हूँ ये होते क्या है। स्टैंडर्ड टूल बार क्या हो गया, समझ में आ गया, स्टैंडर्ड टूल बार।